ये देखिए मैं यहाँ पे अभी आया हूँ अपना श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, जो 6 से 7 किलोमीटर दूर था मेरे होटल से। तो ये इन्होंने बनाया गया है जिन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी यहाँ पे 1939 से 1945 के बीच में, और कुछ देशों के लोग थे जैसे यूके, यूरोप वगैरह हुआ है। और ये पीछे इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये मेरे पीछे है श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस मेन एंट्रेंस है, और मेरे पीछे देखिए ये लिखा हुआ है इन्होंने 1939 to 1945। और यहाँ पे इन्होंने जिन जिन देशों के लोग थे, सोल्जर्स थे, आर्मी थे, जिन्होंने फ़ाइट किया, उनका नाम भी पीछे लिखा हुआ है। ये ऊपर देखिए उनके लिए बनाया गया है मेमोरियल, ये श्राइन ऊपर से नीचे तक, ये देखिए। ये इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और हर जगह इन्होंने इसके ऊपर हर देश का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने लड़ाई में साथ दिया था, युद्ध में साथ दिया था। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और यहाँ पे एक तो ये श्राइन बनाई है, एक दूसरी तरफ बनाई है उस तरफ जाके, तो वो भी मैं बाद में जाके देखता हूँ। आज लास्ट दिन है यहाँ पे, और ये देखिए पीछे सभी देशों के नाम लिखे हुए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है और इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, मौसम अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए इन्होंने नाम लिखे हुए हैं ऊपर से, अगर देखें आप तो ये लिखा हुआ है रैन, अटलांटिक, मेडिटेरियन, रेड सी, पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन, जावा सी, कोराल सी, उन सभी सीज़ के नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई होगी इनकी युद्ध की। ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। और ये देखिए जो जलाई हुई है, आग जलाई हुई है यहाँ पे सामने, बिल्कुल ये इसके सामने बनाया हुआ है। ये देखिए 1939 to 1945 के दौरान जो युद्ध हुआ होगा शायद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके दौरान जिन्होंने सोल्जर्स ने इसके लिए फ़ाइट किया होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ। ये सामने मेन एंट्रेंस है इसकी श्राइन की, और इस तरफ देखिए ये झंडे लगाए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा हुआ है और बाकी सफ़ेद झंडे के ब्लू झंडे के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है कहाँ का। और ये देखिए पार्क का व्यू है, और वो सामने देखिए अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो यूरेका टावर है जहाँ पर मैं कल गया था। इतना बढ़िया तो लगा नहीं मेरे को ऊपर से जब मैं कल गया वहाँ पे, तो ये यहाँ से भी व्यू दिख रहा है उसका। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताता हूँ, उसके बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ अगर कुछ है या नहीं, नहीं तो दूसरी तरफ जाऊँगा, वहाँ पर बनाऊँगा मैं एक और वीडियो। आज वैसे लास्ट दिन है यहाँ पर, थोड़ा इसके बाद मैं वापस ट्रैम में जाऊँगा, और DFO एक स्टेशन है वहाँ पे आपका थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लूँगा, प्राइस वगैरह देखूँगा कि सस्ते हैं या महंगे हैं। तो देखिए अब बाकी सब ठीक ठाक है यहाँ पे। अभी ये अंदर की तरफ एंट्रेंस की तरफ जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट यहाँ पे बिताऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं बिताऊँगा मैं यहाँ पे चल चल के। काफ़ी पसीना आ रहा है, मेरे पीछे का व्यू देखिए झंडे घूम रहे हैं। इस तरफ मैं नीचे से गया था पहले, वो यूरेका टावर है ये आपको दिखाया, उस तरफ दाईं तरफ। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इस तरफ, अगर आप देखो आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कोरिया लिखा हुआ है 1950 1953 1962 1966 बोर्नियो। अब अंदर जाके देखता हूँ, क्या पता वीडियो बनाने दें या ना दें, एनीवे अंदर जाके ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं। तो आज यहाँ पे लास्ट दिन है देखिए। वैसे अंदर से यहाँ पे पूरा ये देखिए पूरी सिटी है वो मेलबर्न मेरे पीछे, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। और इस तरफ देखिए आप, इस तरफ इन्होंने और लिखा हुआ यहाँ पे मोन्यूमेंट्स पे, दिस मोन्यूमेंट वाज रिक्रिएटेड इरेक्टेड बाय ग्रेटफुल पीपल। मैंने
जिन्होंने आर्मी में सर्व किया उनके लिए ये मेमोरियल इन्होंने बनाया है। ये देखिए पीछे मेरे, और इस तरफ भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है। ये कुछ अजीब सा बनाया हुआ है। ये मेरे पीछे देखो, इन्होंने पता नहीं कुछ बनाया हुआ है, जंप करने का क्या है मेरे को तो आइडिया नहीं है इतना, जंप करके देखता हूँ। तो ये अभी मैं दूसरी, मतलब वो मेन एंट्रेंस थी, अभी मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ इसके मेमोरियल के, श्राइन मेमोरियल के। और ये देखिए बिल्कुल मेरे पीछे कितना बढ़िया पार्क है, कितना नाइस और साफ सुथरा पार्क है ये। ये इस तरफ देखिए, ये पूरा व्यू दिख रहा है पार्क का। और मेरे पीछे अगर देखिए आप, थोड़ा गिम्बल को घुमाता हूँ इस तरफ, तो ये है आपका श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। ये मेरे पीछे आ गया, ये दूसरी एंट्रेंस है, एट द बैक एग्जिट है शायद से एंड में, पहले मैं आपको एंट्रेंस दिखा रहा था, यहाँ से बंद पड़ा हुआ है वैसे तो। मेरे को मैं पूरा चल के जाता हूँ उस तरफ, फिर आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस से पूरा मेलबर्न शहर का व्यू कैसे दिख रहा है। ये इस तरफ पार्क है, वो औरत नीचे बैठी हुई है पार्क में, और इस तरफ ये श्राइन है, ये तीसरी तरफ आ गई इनकी एंट्री, एंट्री नहीं है खैर, ये दूसरी तरफ। तो ये है, ज़्यादा टाइम है नहीं आज, इसके बाद एक और इनका म्यूज़ियम है या कुछ है उस तरफ, दाईं तरफ थोड़ा चल के 400 से 500 मीटर की तरफ, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, वहाँ पे भी एक वीडियो निकाल के फिर वापस अपना चले जाऊँगा। ये नीचे जहाँ पे मैं पहले गया था वहाँ पे बनाया था मैंने, वो देखिए जहाँ पे लोग खड़े होंगे, अभी आग चल रही है वहाँ पे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए लोग घूम रहे हैं, आए हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ, फिर देखता हूँ अगर वीडियो निकालने देते हैं या नहीं, और मिलते हैं अगले शॉट में। और ये देखिए झंडे घूम रहे हैं। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ बालकनी में श्राइन की, जैसे बाहर में लिखा हुआ था कि अंदर सेल फोन नहीं लेके जा सकते हैं, चला नहीं सकते हैं, पर बालकनी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था एनी वे। अभी मैं यहाँ से वहाँ पे सीधा जाऊँगा, ये आपको दिखा दूँ जूम करके, ये भी इनका म्यूजियम टाइप है, तो वहाँ पे जाके देखूँगा। नीचे से व्यू देखिए, ऊपर से व्यू, ये उस तरफ बना हुआ है, और ये पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से उस तरफ। और ये नीचे जो जंपिंग वाला बना था पहले वो है। तो इन्होंने पहले ही वहाँ पे लिखा हुआ था एंट्रेंस में कि यहाँ सेलफोन वगैरह अंदर लेके जा नहीं सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं पर चला नहीं सकते हैं, वो तो अंदर लिखा हुआ था। एनीवे मैं तो ऊपर यहाँ पे बालकनी में हूँ, तो ये थोड़ा पीछे मैं घूम के आऊँगा, 10-15 मिनट लगाऊँगा फिर निकलूँगा मैं यहाँ पे, ये जो आपको दिखाया पीछे। हवा बहुत तेज़ चल रही है, कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं अपना वेदर का, विजिटर आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं मेरी तरह। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ऊँचाई पे ये देखिए, तो अंदर गया था मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वीडियो बनाने दे रहे थे, पर मेरे को ठीक नहीं लगा अंदर वीडियो बनाना, कोई उसका सेंस नहीं बनता वहाँ पे। अगर किसी को आपने श्रद्धांजलि देनी है या रिमेम्बरेंस के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पे वीडियो या फ़ोटो खींचना अंदर से मेरे को सही नहीं लगा। तो वहाँ पे एक दो मिनट का हमने वहाँ पे मौन रखा, उसके बाद बाहर आ गए। तो अभी मैं दूसरी तरफ जाऊँगा। तो ये था आपका श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पे, तो देखते हैं दूसरी तरफ जाता हूँ, फिर ट्रैम पकड़ूँगा, फिर शॉपिंग के लिए देखता हूँ आगे पीछे अगर कोई सोवीनियर वगैरह खरीद सकें DFO में। वो एक बताया था यहाँ पे कि एक जगह है जहाँ पे आपको सारे शॉपिंग सेंटर मिल जाएंगे और शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी वहाँ पे, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकती हो यहाँ पे। देखता हूँ कितना महंगा है क्या सस्ता है।
तो वहाँ पे देखते हैं अभी। तो ये था आपका श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, थैंक यू। ये देखिए पार्क का व्यू, थोड़ा इस तरफ चल के आया हूँ, ये बहुत बढ़िया है, पूरी ग्रीनरी देखिए, पार्क इतने बढ़िया है, यहाँ पे हर तरफ फूल लगाए हुए हैं, कोई गंदगी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सफाई है। ये पेड़ देखो कितना बढ़िया पेड़ है, और इस तरफ बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन पार्क है। तो ये यहाँ पे जगह जगह पे जहाँ पे आप स्टेशन से आपको मिल जाएंगे, रेजिडेंशियल इलाका आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इन्होंने पार्क बनाए हुए हैं, और पार्क भी कोई छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बनाए हुए हैं, तकरीबन 600 से 700 मीटर की रेंज में फैले हुए हैं, इतने बड़े पार्क बनाए हुए हैं। वहाँ पे साइकिलिंग अलाउड नहीं है, वो तो अलग है, वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, आ सकते हो, घूम सकते हो। तो इस तरह का इन्होंने पूरा पब्लिक की मेंटेनेंस को देखते हुए इन्होंने हर चीज़ पूरे प्रॉपर वे से बनाई हुई है, तभी तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारी कंट्री से काफ़ी आगे हैं, हर चीज़ ये सोच समझ के करते हैं। और ये अभी पार्क में बैठा हूँ, अब उस तरफ एंट्रेंस थी, पता नहीं अब मैं अंदर कैसे जाऊँगा, क्योंकि उधर से क्लोज लग रहा था, तो देखता हूँ अगर अंदर जाने होता है, वो देखा था मेमोरियल सा, अगर टिकट वगैरह लगी तो फिर तो नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि अगर फ्री में हुआ तो फिर देख लेते हैं कि जाके अंदर उसके है क्या, और या म्यूज़ियम है या क्या है वो। तो ये है, तो लास्ट दिन है, थोड़ा इंजॉय तो नहीं कर सकता लास्ट दिन में बंदा, थोड़ा आगे पीछे देखूंगा। अब कल फ़्लाइट है जो 5 बजे के करीब है, तो चेकआउट जो करना है होटल से वो तकरीबन 10 बजे मॉर्निंग में करूंगा चेकआउट, और पैकिंग वगैरह भी देखनी है। पैकिंग क्या, 2 बैग रहती हैं मेरे पास, एक ये पीछे लगा हुआ बैग ये देख सकते हो आप, और दूसरा अभी हैंड कैरी वाला बैग रहता है, तो तकरीबन 10 किलो तो हो ही जाता है वेट, जब आया था मेरे ख्याल तब तो उन्होंने चेक नहीं किया, जाते वक्त क्या पता चेक करके वेट को तोल के देखे हाँ भाई कितना वेट है, तो वो देखिए। अभी शेव करवानी थी पर करवा नहीं पाया, अब मैं अगर रेज़र भी ले लेता दुकान से तो वहाँ पे इकट्ठा एक का तो एक ब्लेड भी नहीं मिल रहा था, वहाँ पे एक रेज़र बंदे को मिल जाता तो वहाँ पे मैं ले सकता था, पैक मिल रहा था वो $8-9 या $10 का मिल रहा था वो, तो वो मैं मेरे को फेंक के ही जाना पड़ना था, क्योंकि रेज़र तो हैंड कैरी में लेके जाने ही नहीं देते हैं, और उसके बाद अगर फेंकता तो वो नो यूज़ था मेरे लिए, था नहीं उसका सेंस, नहीं बन रही थी कोई लेने की उसकी। तो उसके बाद मैंने शेव भी करवाई नहीं, टाइम भी नहीं लगा, यहाँ पे आगे पीछे घूमता रहा डेली, अगर तकरीबन आप देखिए तो चल के भी आगे पीछे जा रहा हूँ, तो चलता मैं काफ़ी हूँ, तो एवरेज कल मैंने 20,000 स्टेप चले, पैदल स्टेप्स किए आगे पीछे चल के घूमा, और उससे पहले मैंने 18,000 फिर 11,000, तो आज भी इतने हो जाएंगे तकरीबन, आप लगा लो शनिवार से ले कर 4-5 दिन में मैंने तकरीबन 80,000 से 17,000 स्टेप चल रही हैं। तो ये अभी पाँव मिशाले भी पड़ रहे हैं, मांस उतरने वाला है, पाँव के नीचे तली का जो मांस होता है वो भी उतरने वाला है, इतना सॉफ्ट हो गया ये, कि अभी मैंने जूते नए लिए थे उसमें भी पहली दफ़ा पहने मैंने नए जूते जो लिए हुए थे यहाँ के लिए मैंने, तो ये हैं जूते जो लिए हुए थे, ये देखिए ये वाले अम्मा के जूते थे मैंने लिए हुए, तो ये भी मैंने पहली दफ़ा पहने थे जूते। तो अगर आप तकरीबन काफ़ी चलना पड़ता है, क्योंकि पैदल जितना चलोगे उतना एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा बंदे को पॉइंट मिलते हैं, और ट्रिप एडवाइज़र का रहता है जो नियर बाय आपकी लोकेशंस रहती हैं चलने के लिए, उसमें भी आप देख सकते हो कि हाँ भाई नियर बाय कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो सिटी के अराउंड, वो भी काफ़ी अच्छा गुड थिंग है जो वी कैन व्यू फ्रॉम ट्रिप एडवाइज़र, नियर बाई लोकेशन और फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वेयर वी कैन गो एंड सी अराउंड, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ रहती है। देखिए अभी चलता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखूँ वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, वहाँ पे जाऊँ, उसके बाद अपना जाता हूँ अगर अंदर जाने होता है, नहीं तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ सीधा मार्केट की तरफ जहाँ पे शॉपिंग करूँगा मैं। तो अभी मैंने वहाँ पे अंदर जाना चाहा, वो गवर्नमेंट हाउस है, तो बाहर वो पुलिस भी थी, सिक्योरिटी सर्विस थी, तो वो आए बाहर, मैंने उनसे पूछा कि मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं, उन्होंने बोला
कि अंदर जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट हाउस होता है वो। तो वो बात भी सही थी वैसे, तो मेरे को पता नहीं था वो क्या है क्या नहीं। तो अभी यहाँ का तो ख़त्म हो गया, अभी बनाना फ्रूट्स वगैरह। तो अभी यहाँ से निकली है, ये देखिए मेरे पीछे कितने बढ़िया फ्लावर्स हैं, पूरा गार्डन बनाया हुआ है। और इस तरफ देखिए एंट्रेंस देखिए क्या बढ़िया बनाई हुई है, बहुत बढ़िया ये। और अगर दूसरी तरफ देखिए तो ये वहाँ पे वो चला रहा है ग्रास घास काटने के लिए। तो मेंटेनेंस भी पार्क की जो होती है वो लगे हुए हैं लोग करने के लिए, लेकिन गंद वगैरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ़ सफाई है यहाँ पे। तो इस तरफ हर जगह इन्होंने अलग अलग स्टैचू लगाए हुए हैं, दिखने में लग रहा है कि ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये नया बनाया हो। एनीवे इतना पता नहीं है मेरे को, या आप लोग गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो उसके बारे में, या अगर मेरे को कोई लिंक वगैरह मिला तो वो मैं डाल सकता हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन क्या, अभी मेरे को क्या करना है, ट्रैम राइड करनी है। तो वो मैं देखूँगा, पहले स्टेशन ढूँढता हूँ किस स्टेशन में जाना है, उसके बाद मैं राइड करता हूँ। ये मेरे पीछे एक स्टैचू लगाया हुआ है, घोड़े पर सवार है। और अगर दूसरी तरफ देखिए आप तो वहाँ पर भी एक स्टैचू लगा हुआ है। तो ये जो इन्होंने पार्क हैं काफ़ी वेल मेंटेन की हुई हैं, वेल मेंटेन इन द सेंस कि एक तरफ इन्होंने साइड पे बंदा, अगर आप देखो बंदा पार्किंग लगा सकता है, अगर आपका ऑफिस पास में हो तो आप यहाँ पे पार्किंग के लिए भी लगा सकते हो, और एट द सेम टाइम आप यहाँ पे घूम फिर सकते हो पार्क में। अभी मैं जाऊँगा ट्रैम के स्टॉप पे, वो देखूँगा कहाँ पर है। ये देखिए मेरे पीछे पार्किंग लगी हुई है, काफ़ी गाड़ियाँ। स्टैचू लगा के इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है जो ऑस्ट्रेलिया की होती है, और उससे बंदे को नॉलेज भी होती है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि एक एक स्टैचू के पास जाऊं और वहां पे मैं पढूं उसके बारे में क्या है उसके, तो अपना सभी चीज़ें लिमिटेड टाइम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। तो अभी मैं ट्रैम राइड करूँगा, उसके बाद जाता हूँ सीधा वहाँ पे। उसके बाद मेरे को जाना है दिल्ली रॉक्स। दिल्ली रॉक्स एक यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है जो मेरे को बताया गया था, वहाँ पे ये है आपको $10 में वो दे देते हैं करी वगैरह। और ये देखिए जो अब मैंने पहले बनाया था, घुमाया था आपको, श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। अगर तो उस तरफ जाऊँ मैं तो आपको दिखा रहा था वहाँ पे $10 का मिलता है खाना। खाने में ये है 3 सब्जी आपको दे देंगे, और रोटी जो है आपको वो अनलिमिटेड है $10 में, जितनी मर्जी रोटी हो, नान नहीं है रोटी है वो। तो वहाँ पे आप अनलिमिटेड रोटी खा सकते हो। कल मैं वहाँ पे गया, वो एक लड़का घूमता रहता है रोटी लेके, मतलब अंदर वहीं क्या रेस्टोरेंट का वेटर वगैरह जो भी काम करता है वो आपको देगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए, और खाना भी बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी था। और उसके बाद एक है मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ होटल, उसके बाहर है रेस्टोरेंट, वो देते हैं आपको अनलिमिटेड रोटी $8 में, पर उनकी सब्जी थोड़ी अलग रहती है। नहीं, रोटी नहीं देते हैं, वो देते हैं आपको नान, बटर नान $8 में। तो डिनर मैं वहीं पे कर रहा हूँ, हर रात को डिनर मैं वहीं पे करता हूँ, और कल मैंने लंच वहाँ पे किया दिल्ली रॉक्स में। तो आज भी मैं जाऊँगा दिल्ली रॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आपका लंच करूंगा, और वहाँ पे आपको चाय भी फ्री मिलती है $10 में। तो इतना है हमारे हिसाब से, तो अगर मैं कंपेयर करूं एक किस्म का महंगा रहेगा, पर अगर लोकल है जिसके लिए तो उसके लिए महंगा नहीं है। तो ये अगला भी वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे आगे जाके ट्रैम का स्टॉप है, तो वहाँ पे मैं जाऊंगा, तो वहाँ पे पहले स्टॉप चेक करूँगा कौन सा है, उसके बाद राइड करता हूँ ट्रैम। ये देखिए इस तरफ का व्यू, लगता नहीं है जो DFO शॉपिंग सेंटर होगा वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। अगर गूगल मैप, यहाँ पे वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रही है, ही नहीं है वाईफाई जोन, तो देखता हूँ। ओके जी, मिलते हैं अगले शॉट में।